पार्क में सवेरे 4:30 बजे जब मैं आया तो यहाँ एक केक रखा हुआ था। मैंने भाई एक और बाद में मतलब उन्होंने लोगों ने सरप्राइज दिया। 20-25 सड़कों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, तो उन्हें लोगों को विश्वास हो गया कि टेकचंद शर्मा जो कहता है वो करता है। अगर किसी का विश्वास एक बार उठ जाए तो उस पर लोग दोबारा विश्वास नहीं। आज तक की जो झूठ की राजनीति है वो मेरे अंदाज में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई इंस्टीट्यूट आया नहीं, कोई स्कूल हुआ नहीं, कोई किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, आदमी ने खाना नहीं खाया, कोरोना में जिंदे नहीं रहे, कोरोना में विकास नहीं हुए, और जगह पे कैसे हो गए? भाई जी, यहाँ जो दिल में पत्थर लगे हुए ना, उनको कोई नहीं हटा सकता। चार गाँव के और अपने जितने तमाम पिछले विधानसभा क्षेत्र वासी, उनका मन तो आप जरूर रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है अब की बार लोगों का कि भाई साहब चाहे इंडिपेंडेंट लड़ो, कुछ भी लड़ो, टेकचंद शर्मा के सामने कोई टक्कर में नहीं है। हालांकि जनता जनार्दन होती है जब चुनाव आते हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात को सहमत नहीं हूँ कि टक्कर में नहीं है। टक्कर होती है कि भाई साहब अच्छा किया छोड़ करके, जब टिकट नहीं मिली थी नहीं चुनाव लड़े, तो आज उनकी असलियत जो लोग आत्मा फाड़ फाड़ के रोते थे ना कि मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो दिवाली नहीं मनाऊंगा, आज उनकी औकात पता लगी। एक भाई है हमारे यहाँ जो कांग्रेस वाले हैं, उनका यही पता नहीं है कि वो रहते कहाँ हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा आज तक, मतलब बताइए कौन सा, मेरे को पार्टी में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है और अपनी भी निभानी पड़ती है। जनता का दिया हुआ है ये जो कुछ भी है, हमारी कुछ औकात नहीं है उनके सामने। वो जो मांगेंगे हम उसके लिए तैयार हैं, और जनता कभी खून नहीं मांगती, जनता विश्वास मांगती है, और विश्वास को लेकर के अगर हम चलेंगे तो जनता कभी भी हमें धोखा नहीं देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। और आपको बता दें, आज खास मौका है, लेकिन खास मौके पर भी सुबह से पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के लाडले भी कहें और चहेते भी कहें पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा। और सुबह से ही यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, तो देख रहे हैं लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और विभिन्न तरह के जो आपको विजुअल्स के माध्यम से इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से पंडित टेकचंद शर्मा जी सुबह से ही अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। आइए इनसे इसी दौरान बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और आज भी आप रोजाना से डबल पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, धन्यवाद आपका। मैं डबल वबल कुछ नहीं, मैं सवेरे मेरा 2.5-3 घंटे का जो वर्क होता है मैं इसको डेली करता हूँ, और ये रूटीन का काम है। मैं सवेरे 4:15 बजे जग करके 1 घंटे की वॉकिंग भी करता हूँ इसी पार्क में, उसके बावजूद फिर मैं जिम में आ जाता हूँ, लगभग 1 घंटा यहाँ लगता है, और फिर 1.5-2 घंटा बैडमिंटन और योगा वगैरह का छोटा मोटा हो जाता है। आज आपका जन्मदिन है, सुबह से ही और भी लोग यहाँ पर आए हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, और शुभकामनाएं सुबह से मिल रही हैं लगातार आपको, और दिन अभी बाकी है। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से जो हमारे इस मौके पर जो आते हैं मेरे अपने साथी, मैं दिल से उनका क्या शुक्रिया करूँ, वो इतने लगाव रखते हैं। मैं जब सवेरे आया तो यहाँ एक केक रखा हुआ था पार्क में, सवेरे 4:30 बजे जब मैं आया तो यहाँ एक केक रखा हुआ था। मैंने भाई एक और बाद में मतलब उन्होंने लोगों ने सरप्राइज दिया, 20-25 आदमी हमारे जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं, तो बल्जी तो केक काटना है। मैं थैंक यू वेरी मच आप तो लोगों का। अक्सर देखा जाता है जैसे नेता लोगों के जो दिमाग में छवि होती है सफ़ेद कुर्ते के साथ साथ एक बड़े भारी भरकम शरीर, जो अनफिट होते हैं अक्सर, लेकिन आप बड़े फिट दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिनचर्या कितने वर्षों से आपकी जो है लगातार जारी है? जहाँ तक मेरी कोई याददाश्त, इसमें मैंने शुरू से ही जब मैं पढ़ता था उस टाइम से ही इस रूटीन बनाया हुआ है, और मैं सवेरे अर्ली राइजर रहा हूँ शुरू से ही, गाँव में रहता था तब भी, अब भी, और बीच में भी कभी मैंने मतलब जाना सवेरे 4 बजे उठना बंद नहीं किया। और जब 4 बजे जो आदमी उठेगा ना, वो 2.5-3 घंटे में जब दिनचर्या कर लेगा, एक तो दिन में सारे दिन आलस नहीं रहेगा, दिन में सारे दिन आदमी एक्टिव रहेगा, और अपना जो टाइम है वर्किंग आवर्स तो वही दिन के होते हैं। अगर उन्हें अगर हम 7 बजे जग कर के 10 बजे तक ये अपने नित नियम से होते हैं तो वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे। अब इसमें मैं 7 बजे वापस चला जाता हूँ,
और 7 बजे जाने के बाद 1 घंटा के आसपास कर मैं अपना वहाँ पे न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज़ देखता हूँ, नहा धो करके फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। मेरा रूटीन का काम है जी। पंडित जी, जिस तरह से मौजूदा हालात की बात करें हैं, राजनीति की अगर हम बात ना करें तो वो भी बेमानी होगा, मौजूदा हालात जो पृथला विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं उनके ऊपर क्या कहेंगे? इस टाइम पे जो पृथला क्षेत्र के जो हालात हैं, एकदम बिल्कुल इनको बेकार से बेकार कहा जाए इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, लोगों को कहते हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले देवली और बघोला में, पिछले रात को मेरे को ततारपुर बघोला देवली जी, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, डेली वहाँ से रात को 11-12 बजे तक फ़ोन आते हैं और 3 दिन से लाइट नहीं है, जब से जनसंवाद मंत्री जी ने वहाँ किया है उसके बाद वहाँ लाइट ही नहीं है। तो ये एक बड़ा विचित्र सा मामला हो रहा है कि अगर हम लाइट हम दे सकते नहीं, पानी हम दे सकते नहीं, सड़कें हम दे सकते नहीं, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में तो ये आप खुद सोच सकते हो। अभी हाल ही में जो है मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने एक मांग उठाई है जो 5 लाख से 10 से 15 लाख करने की, और 2 साल के कोरोना काल को हमेशा बहाना बनाते रहे हैं। देखिए, इस विधायक के बारे में तो क्या कहें क्या ना कहें, 10 से 15 लाख जिस दिन ये मतलब 1 लाख का ई टेंडरिंग हुआ था, जो ई टेंडर हो रखे हैं उनके तो काम होते नहीं, बेकार की वाई वाई लूट करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो बातें करते हैं लोग सब समझ चुके हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका तो जो हाल होगा वो इलेक्शन में ही पता लगेगा। विधायक जी, आपके आज दिन की बात करें तो आज दिन भर कैसा रहेगा, क्या क्या आपके जो एक्टिविटी रहेगी? वही दिन भर की जो रूटीन की प्रक्रिया है, अब यहाँ से जाकर के 10 बजे ऑफिस जाऊँगा, वहाँ से 12-1 बजे तक ऑफिस बैठूँगा, उसके बाद इलाके में निकल जाऊँगा। कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं लोगों से मिलना जुलना है, तो यही मेरा रूटीन का काम रहता है। अभी कुछ ही समय पहले जो है आपने 104 गांवों के साथ जो है एक मीटिंग की थी, जनरली भी मीटिंग थी लेकिन उसमें भी लोगों ने अपना बड़ा मन बनाया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और चुनाव में जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर आओ, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या आप किसी को समर्थन देते हो, तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे पे विश्वास रखते हैं, उन्होंने मेरे को बसपा से बनाया। 47 विधायक उस समय पे बीजेपी के आए थे, मैं 48वां विधायक था। लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि भाई जरूरत भी नहीं और ये काम डेवलपमेंट के कैसे होंगे, उसके बावजूद भी हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क अपने क्षेत्र में कराए थे, और उस दिन से उन्हें लोगों को विश्वास हो गया कि टेकचंद शर्मा जो कहता है वो करता है। और जब राजनीति में अगर किसी को किसी पर विश्वास हो जाए ना, एक 3 चीज मैं बताना चाहता हूँ, आधी मिनट लूँगा मैं आपका, धन ज्ञान और विश्वास, तीनों साथी कहने लगे भाई चलते हैं। धन कहने लगा कहाँ मिलोगे भाई अगर मान लो ढूंढना पड़े तो, कहने लगे किसी सेठ की तिजोरी में बैंक में कहीं मिल जाऊँगा। ज्ञान कहने लगा मैं किताबों में मिल जाऊँगा, कहीं और जगह स्कूलों में मिल जाऊँगा। विश्वास से बोला कि विश्वास तू कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा अगर मैं एक बार चला गया तो मैं फिर मिलने वाला नहीं। तो वही राजनीति में है, अगर किसी का विश्वास एक बार उठ जाए तो उस पर लोग दोबारा विश्वास नहीं करते। आज टेकचंद शर्मा के प्रति लोगों का अथाह प्यार जो मैं देखता हूँ, कोई भाई कोई बेटा कह के, कोई बंधु कह के, कोई चाचा कह के, कोई ताऊ कह करके, रिश्तेदारियाँ निकाल करके इस तरीके के प्यार देते हैं कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ और धन्यवाद भी इस चीज़ के लिए करता हूँ कि जो हमने किया है उससे हमारे रिलेशन आपस में प्रगाढ़ हुए हैं, बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। आज तक की जो झूठ की राजनीति है वो मेरे अंदाज में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 2014 में आपने चुनाव जीत कर जो है बीएसपी से जीत कर बीजेपी को समर्थन दिया था, आज की मौजूदा हालात की बात करें तो बीजेपी के जो काम है या उससे आप कितना वो हैं, और आप कितना आप बीजेपी के अभी लगता है कि कितना क्लोज हैं, या लगता है आने वाले समय में बीजेपी से आपको टिकट मिल सकती है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 14 से 19 में रहा 2500 करोड़ के डेवलपमेंट हुए, 19 से आज 23 हो गया, 4 साल हो गए।
आज तक मेरे अंदाज में 100-200 करोड़ के रुपए के अगर ये सड़कों की रिपेयर वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट आया नहीं, कोई स्कूल हुआ नहीं, कोई किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, इसको क्या कहेंगे आप? वही बीजेपी की सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे। मैं 47 के बाद 48 में उनका सपोर्टर था, आज तो 40 के बाद 41 में है माननीय, और उसके बावजूद यहाँ कहने को कुछ नहीं। सिर्फ जो हवाई फायर हैं, जो हवाई के लिए बनाते हैं, उनको बहुत जल्दी लोग पहचान चुके हैं। अब 4 साल के बाद अब भी कोई और जगह नहीं रह गई कि जिसको हम ये कहें कि भाई अब और कोई एक साल में जादू की छड़ी है। कोरोना तो सब जगह होते हैं, कोरोना का मतलब जो ये थोड़ी है कि कोरोना में आदमी ने खाना नहीं खाया, कोरोना में जिंदे नहीं रहे, कोरोना में विकास नहीं हुए, और जगह पर कैसे हो गए? खालिस हमारे पृथ्वी में ही ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो सबको कोरोना लग गया? अच्छा, एक और राजनीति देखने को मिली थी पीछे, जो पत्थर हटाओ, जो आपके समय के पत्थर लगे हुए थे, जो कार्य थे उनको भी हटाया गया था, क्या वजह हो सकती है उनके पीछे? भाई जी, यहाँ जो दिल में पत्थर लगे हुए ना, उनको कोई नहीं हटा सकता। मैं पब्लिक के साथ रहने वाला आदमी हूँ, मैं इन पत्थर वत्थरों में विश्वास नहीं करता। मैं पब्लिक के दिलों के पत्थरों को नहीं हटने देना चाहता, बाकी चाहे कुछ भी हो। अब लगातार जो है, आप चाहे वो सामाजिक चाहे वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, सुख दुख होता है, पृथला विधानसभा क्षेत्र में बड़े ही साइलेंट तरीके से हमने भी सुना है और लोग कहते हैं, तो आप लगे रहते हैं अभी भी लोगों के बीच में, लेकिन कभी ज़्यादा बाहर उभर कर नहीं दिखाते कि भी जैसे और लोग होते हैं कि दिखाते हैं, दिखावा में आप भरोसा नहीं करते। किसके लिए दिखावा? हम अगर मान लो अपनों के दुख सुख में जाते हैं तो उनके लिए जाते हैं, उनको खुशी महसूस होती है, दुख में उनका दुख बांटने के लिए जाते हैं। अब इलेक्शन लड़ना है, लोगों के संबंध अगर ठीक होंगे तो इलेक्शन लड़ा देंगे, नहीं लड़ाना मत लड़ाओ, कोई दिक्कत भी नहीं। बाकी इलेक्शन लोगों ने तो मन बना लिया है, इलेक्शन लड़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि बीजेपी से लड़े। तो ये साफ करते हैं कि जनता के तो मन की, यानी कि अपने क्षेत्रवासियों के 104 गांवों के और अपने जितने तमाम पृथला विधानसभा क्षेत्रवासी, उनका मन तो आप ज़रूर रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है अब की बार लोगों का कि भाई साहब चाहे इंडिपेंडेंट लड़ो, कुछ भी लड़ो। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का, मैं इनसे एक बार बात करनी है मेरे को, अगर ये चाहेंगे तो इनसे बैठ करके एक बार बात करेंगे, वरना तो हमें कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए बाध्य हों। आपके कार्यकाल में जो है टेन्योर में काफ़ी काम हुए हैं जो आपने करवाए हैं, कुछ उन कामों गिनवाते हुए जो आगे जो पृथला विधानसभा क्षेत्र में रह गए हैं, अंत में चाहेंगे कि आप उनके बारे में बताइए कि जो आने वाले समय में होने चाहिए और जो आप करवाएंगे अगर आगे। आप जहां तक बात कह रहे हैं कि जो कार्य हो चुके हैं उनके बारे में, तो मैं अब क्या बताऊँ। 2500 करोड़ में 17 यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी से लेकर के नर्सिंग डिग्री कॉलेज से लेकर के गवर्नमेंट मोहना कॉलेज से लेकर के आईटीआई से करोना, फतेहपुर बिल्लोच और मोहना को लेकर के सब्जी उसको मंडी को अलग करा करके रेनीवेल स्कीम को, इन सबको हमने कराया था। अब आगे आने वाले समय में एक तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ जो रेनीवेल लगे हैं जमुना पे, वहाँ एक स्टोरेज के लूप में बैराज बनना चाहिए, जो हमने उस टाइम पे भी लिख के दिया था कि यहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, 1000 एकड़ ज़मीन भी उसमें एक्वायर करने की बात थी। सबसे पहला काम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होना चाहिए। इसके बाद एक जहाँ नोएडा ये KMP KGP और इनके सराउंडिंग में है, जो जेवर एयरपोर्ट को रोड जा रहा है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने। इसके अलावा यहाँ पर एक सब डिवीज़न बने, जो अगली बार तो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब 24 के बाद 29 में जो इलेक्शन होगा उसमें 4 सीटें यहाँ बढ़नी है, 2 सीटें पलवल में बढ़नी है, तो जहाँ भी ये सीटें बढ़ें उस हिसाब से एक सब डिवीज़न बने, चाहे वो इधर फतेहपुर बिल्लोच भी हो सकता है, मोहना भी हो सकता है, दयालपुर भी हो सकता है, जिससे कि लोगों को सुविधाएँ मिलें। एक बहुत बड़ा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, जो पोर्टल वाला सिस्टम है, सारे दिन लोग जिम्मेदार लोग हैं वो पोर्टल के बेचारे परेशान रहते हैं। उन पोर्टलों की बजाय उनको गांव में वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम सेंटर बन जाए और वहीं वो सारी सुविधाएं मिले, तो वो पॉसिबल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगह पे हमारे यहां पानी की समस्या है, पानी की समस्या काम की नहीं, कई जगह पे जैसे देवली, ततारपुर, बघोला, मांदकोल, ककड़ीपुर, इस एरिया में पानी ऊँचा है पृथ्वी के अंदर,
ये 7 गांव हैं, इनमें पानी वाटर लेवल ऊंचा होने की वजह से ना फसल होती है ना कुछ होती है। उस पानी का सोलर पंप लगा करके वहाँ पानी को, जैसे हमने ये सिकरोना में किया था, अभी उसमें और भी ट्यूबवेल लगने वाले हैं उन भनकपुर और कबूलपुर और इस एरिया में, लदियापुर वगैरह में, इसी तरीके से उस पानी के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बना करके उस पानी को, एक्स्ट्रा पानी है जो, उसको नहर में डाला जाए जिससे कि वो उपजाऊ भी ज़मीन हो सके और वहाँ पे लोगों का यूज़ भी हो सके। समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याओं के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें समस्याएं दूर होंगी, अब मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था कि जी हमने मतलब एम्स का करा दिया, एम्स के डायरेक्टर से या किसी से मिले हो ये तो हमें पता है कि हमने किस तरीके से वहाँ पर वो 15 करोड़ अभी निकलवाएं और भी होना है, और जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं है वो ज़बरदस्ती की क्रेडिट लेना, ये कोई औचित नहीं बनता। आप पूछिए इनसे कि मतलब कितने स्कूल अपग्रेड कराए, 3 स्कूल आए हमारे, उसमें वो भी सरकार ने जब ये चीज़ कही कि भाई हम 8वीं से 10वीं से जो बाहर के स्कूल हैं उनको सबको, जिनमें नॉर्म्स पूरी होंगी उन्हें पूरे वो करेंगे, 131 स्कूल जो अपग्रेड किए थे हमारे पिछले क्षेत्र में, हमने 8 स्कूल अपग्रेड कराए थे उस टाइम पर, जब कोई नॉर्म्स के बगैर नॉर्म्स के भी उसमें, तो काम करें, काम के हिसाब से जनता जनार्दन है, ये चाहती है कि भाई काम होने चाहिए जिससे कि लोगों के एक माहौल बने। आगे आने वाले समय में चुनावी मौसम होने वाला है और माना जा रहा है पंडित टेकचंद शर्मा के सामने कोई टक्कर में नहीं है, हालांकि जनता जनार्दन होती है जब चुनाव आते हैं। देखिए मैं आपकी इस बात को सहमत नहीं हूँ कि टक्कर में नहीं है, टक्कर होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी है, चाहे मैं अपने आप को घमंड करने लगूं, जो जनता के दिलों पर राज करेगा, जो जनता को जितना कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगा वही पॉसिबल है। और भाई ये जनता है, ये नीचे भी गिरा देती है और सिर पे भी उठा के रखती है। हमने 5 साल जब छोड़ा राजनीति का, 19 में जब हमें टिकट नहीं मिली तो लोगों को शुरू में लगा बहुत बुरा हुआ, बाकी आज वही लोग कहते हैं कि भाई साहब अच्छा किया छोड़ करके, जब टिकट नहीं मिली थी नहीं चुनाव लड़े, तो आज उनकी असलियत, जो लोग आत्मा फाड़ फाड़ के रोते थे ना कि मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो दिवाली नहीं मनाऊंगा, आज उनकी औकात पता लग रही है लोगों को कि कितनी दिवाली मनाते हैं, किस तरीके के काम किए हैं उन्होंने, जनता में क्या है। एक भाई है हमारे यहाँ जो कांग्रेस वाले हैं, उनका यही पता नहीं है कि वो रहते कहाँ हैं, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा विपक्ष आज तक, मतलब बताइए कौन सा, मेरे को पार्टी में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है और अपनी भी निभानी पड़ती है, मेरे को तो बड़ा दुख होता है। चाहे वो गदपुरी टोल की बात हो या गांव के कोई समस्या हो, हमेशा आप खड़े रहते हैं। चंदावली IMT जो फ्लाईओवर की बात थी, उसमें रस्ते की बात थी, नहीं जो हम अगर मान लो 8 स्कूल 8 हमारे गाँव जो गए इसमें नगर निगम में, क्या वो जायज था? ये उठानी तो विपक्षियों को थी, कांग्रेस वालों को उठानी चाहिए थी ये मांग, बाकी नहीं उठाई। अगले मतलब जाना ये सोचते हैं कि अब कहते हैं कांग्रेस की हवा है, अरे हवा कहाँ है, वो कहीं ऊपर से आ रही है क्या? पता लग जाएगा इलेक्शन में आई है, हवा हवाई है बस, हवा हवाई बातें करने से हवा नहीं बनती, बनती है हवा बनती है हमेशा जब पसीना बहाने से, लोगों के बीच में रहने से, लोगों के काम करने से, लोगों के विचार सुनने से, लोगों की समस्याओं को दूर करने से, ये जब हवा बनती है। ये लोग जो है ना, जब आप देखते होंगे कि कांग्रेसी लोग कभी भी वहाँ ये नज़र नहीं आते कि भाई हमारा ये विरोध करना है, हमने इस चीज़ पे वो करना है। आज अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर मीटर नहीं लगते, जबकि वो बेचारे चोरी करके फिर उन पर वहाँ चोरी करवाते, वो खुद ही तो बिजली वाले वहाँ जा कर के तार डलवाते, शाम को जाते हैं उनके पास मतलब जाना उल्टा सीधा पैसे ले आते हैं। अरे भाई उनमें जब देना ही है तो उन्हें बिजली के कनेक्शन दे दो, और जब आपने अप्रूव करनी हो कर देना, कम से कम सरकार को पैसा तो मिलेगा। ये सब चीज़ें बहुत समस्याएं हैं जिनको लेकर के हमें चलना पड़ेगा। तो माना जाए कि अब जो आने वाले समय में बात करें, तो जिस तरह से आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए पसीना बहाते हैं पिछले कई साल से, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के लिए खून बहाने के लिए तैयार है? देखिए जनता का दिया हुआ है ये जो कुछ भी है, हमारी कुछ औकात नहीं है उनके सामने, वो जो मांगेंगे हम उसके लिए तैयार हैं, और जनता कभी खून नहीं मांगती, जनता विश्वास मांगती है, और विश्वास को लेकर के अगर हम चलेंगे तो जनता कभी भी हमें धोखा नहीं देती। ये बेवकूफ़ बनने की बातें करना कि भाई ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, भगवान हैं, अरे उन भगवानों के कुछ पूजा पाठ तो करो, लोगों को मतलब जाना समझाओ तो सही, लोगों की समस्याओं को तो समझो। आज मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, वैसे दो सड़कें बताऊँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, वैसे तो पूरे पृथ्वी में घूम के देख लो, सीकरी से
और आप प्याला चले जाएं, पनहेड़ा से आप फतेहपुर आ जाएं, सीकरी से आप इधर ये नंगला जोगियान होते हुए और ये बीजोपुर जखोपुर लदियापुर तक चले जाएं, हालात इतने गंदे हैं कि कोई वहाँ चल नहीं सकता। मोटरेबल सड़कें नहीं हैं, लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमने बड़े विकास कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पिथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, आज इनका जन्मदिन है। इस पर हम आज खास चर्चा करने के लिए जन्मदिन पर तो आए थे, लेकिन राजनीति की बात ना हो तो ये भी बेमानी होता है। तो आज उन्होंने जो जो बातें कही हैं, आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं अगर आप पिथला विधानसभा क्षेत्र से हैं। वहीं इस तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।